हमारे यहाँ नगरी दर्शन जी हुए, बहुत उच्च कोटि के भक्त, उच्च कोटि के संत। एक बार उनके मन में विचार आया, इतने दिन शरणागति ग्रहण किए हुए हो गए, अभी तक दर्शन नहीं हुआ। दर्शन तो दर्शन प्राप्त होना चाहिए। गुरुदेव के पास गए तो गुरुदेव ने कहा कि बरसाने चला जा, वहां तुझे दर्शन प्राप्त हो जाएगा। बरसाने चले गए, वहीं रहने लगे, कुटिया में रहने लगे, मजदूरी कर लाते, प्रसाद पाते और भजन करते रहते। बहुत समय व्यतीत हो गया और उनके भजन का इतना प्रताप कि शेर आया तो शेर उनके चरणों में लोटे और उन्होंने शेर के कंठी बांध दी, उसके कान में मंत्र दिया। मंत्र हम लेते हैं, मंत्र लेने से क्या होता है कि हम जो कान के माध्यम से प्रभु प्रवेश करते हैं, प्रविष्ट कर्ण रत्रेण, प्रभु कहाँ से प्रवेश करेंगे, पहले हम सुनेंगे तब प्रवेश होगा। तो कान में मंत्र दिया और कंठी बांध दी। अब वह उनका शिष्य हो गया, वह मधुकरी करने के लिए जाते तो जो उनकी जो छोटी सी बाल्टी थी, उस बाल्टी को उन शेर के गले में लटका देते। जो कुछ भी मधुकरी आती वह उसमें डलती रहती और समय निकलता गया। एक दिन अपने कुटिया में सो रहे थे और कुटिया में सो रहे थे तो उनको ऐसा लगा कि कहीं बाहर कुछ आहट हो रही है। कुटिया से बाहर आए, देखा कि बहुत प्रकाश हो रहा है, प्रकाश हो रहा है। बाहर आए देखा कुछ किशोरी हैं, आपस में चर्चा कर रही हैं। इतने में एक किशोरी उनके पास आई, बोले बाबा तुम्हारी कुटिया में कछु खाने को हो तो दे दो, हमारी प्रिया जी को भूख लगी आई है। प्रिया जी को भूख लगी आई है, इस समय तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तो उतनी ही मधुकरी करता हूँ जितने से मेरा पोषण हो जाए, ज्यादा मैं लाता नहीं हूँ, किसी से मांगता नहीं ज्यादा। किशोरी जी को भूख लगी है, किशोरी जी को भूख लगी है, तो पहले तुमको भूख लगी है कि किशोरी जी को लगी है, कैसे मालूम पड़े? तो बोले के किशोरी जी इधर ही आ रही हैं। किशोरी जी अंदर आई, प्रिया जी कुटिया में गए, अंदर प्रवेश किया, फिर लाल नागरी दास जी से बोली, बाबा हमारे लिए कुछ खाने को लाओ, आज बहुत भूख लग रही है। और नागरी दास जी बोले कि महाराज इस समय तो मेरे पास कुटिया में कुछ भी नहीं है, आप यहीं विराजो, मैं बस्ती से मांग के लाऊं। बस्ती मतलब इस समय कौन मिले। एक दरवाजा खटखटाया, अंदर से बाहर निकल के आए, बोले कि क्या बात है? तो बोले कि ऐसा है कि प्रिया जी को बड़ी भूख लग रही है तो कछु मधुकरी दे दे। बोले कि बाबा तुम्हें भूख लग रही हो तो बोलो, व्यापकत प्रिया जी के नाम से काय को मांग रहे हो? बोले कि नहीं, प्रिया जी को भूख लग रही है, मेरो पेट तो भरो भयो, मैंने तो खा लियो, लेकिन प्रिया जी को भूख लग रही है। दो चार घर में गए, लोगों ने सोचा कि भूख लग रही होगी, बाबा हैं संत हैं, कहीं भूख लग रही होगी तो प्रिया जी के नाम से मांग रहे हैं, कोई बात नहीं। लोगों ने दिया
कुटिया में आए, प्रिया जी के आगे प्रस्तुत किया, प्रिया जी ने ग्रहण किया, सखियों को खिलाया और फिर प्रिया जी ने आज्ञा की, बोले कि बाबा हम रात्रि में नित्य यहाँ रास लीला करें तो भूख लगी आवे, तो तुम रोजाना अपनी कुटिया में रात्रि के समय कछु खाए को रखो करो। ठीक है महाराज, अब नित्य का नियम हो गया। ये कृपा होती है, यह कृपा कब होती है? गुरुदेव ने कहा है, गुरुदेव की आज्ञा हुई है। शबरी के संग भी ऐसा ही हुआ। शबरी 11-12 साल की अवस्था, उसका संबंध तय हो गया और एक दिन शादी का दिन आया और शबरी ने अब देखा कि बहुत सारे बकरे बाहर इकट्ठे किए हुए हैं। शबरी ने अपनी माता से पूछा कि माँ ये बकरे क्यों इकट्ठे किए हैं? बोले कि आज तेरी शादी है ना, तो बरातियों को इनका भोजन कराएंगे। बोले कि बरातियों को ये बकरों का भोजन कराएंगे? बोले कि हाँ, हम लोगों का यही भोजन होता है, तो यही भोजन कराएंगे। तो शबरी का दिल कांप उठा, 11-12 साल की अवस्था, और शबरी वहां से चुपचाप मौका देखा और भाग गई। बहुत खोजा लेकिन नहीं मिली, विवाह कैंसिल हो गया और शबरी बहुत दूर गई कि कोई ढूंढ न सके, और एक पेड़ के ऊपर जाकर छुप गई। रात्रि को निकलती कुछ फल पुष्प जो पेड़ों से फल लटके होते उनको ले लेती, उनको खा लेती और इसी प्रकार से समय चलता रहता। थोड़ी दूर में मतंग ऋषि का आश्रम था और मतंग ऋषि के आश्रम पर शबरी गई, देखा कि संत लोग रहते हैं, सुबह 4 बजे सरोवर में स्नान करने के लिए जाते हैं, तो कंकड़ है, कांटे हैं, चुभते होंगे, तो 2 बजे उठ जाती और सारे रास्ते को बुहार देती, पत्तल बना देती, बाहर कुटिया के बाहर पत्तल रखी आती। सबको बड़ा आश्चर्य, बोले कि क्या बात है, कौन रख जाता है बाहर, इतनी सफाई हो रही है, कौन सफाई कर जाता है? लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चले। और शबरी ऐसे ही 10-12 साल और निकल गए। एक दिन संतों ने पकड़ लिया, बोले ये सब तू करती है? महाराज मुझसे अपराध हो गया, गलती हो गई। गुरुदेव के पास लेकर आई, मतंग ऋषि के पास। मतंग ऋषि बोले कि हम तेरी निष्ठा से, तेरी सेवा से प्रसन्न हुए, जब मेरा आशीर्वाद है एक दिन तुझको प्रभु मिलेंगे, और प्रभु मिलेंगे गुरुदेव का आशीर्वाद है। गुरुदेव तो धाम पधार गए, आज्ञा कर गए कि यह जो कुटिया है आगे से शबरी की कुटिया है, उनका जो आश्रम मतंग ऋषि का, और उस आश्रम, वह आश्रम शबरी का हो गया। शबरी गुरुदेव के वचन पर विश्वास किया, नित्य कुटिया से बाहर दूर तक बुहारती, और दूर तक बुहारती कि मेरी कुटिया में प्रभु पधारेंगे, मेरी कुटिया में प्रभु पधारेंगे। 10 साल निकले, 20 साल निकले, 25 साल निकले, 50 साल निकल गए, 70-75 साल की अवस्था की शबरी हुई, लेकिन नियम वही नित्य था। गुरुदेव ने कहा है तो एक दिन मेरी कुटिया में प्रभु आएंगे, एक दिन मेरी कुटिया में प्रभु पधारेंगे, गुरुदेव का वचन मिथ्या नहीं हो सकता, एक दिन मेरी कुटिया में प्रभु पधारेंगे। नित्य बुहारती, नित्य बुहारती, और
एक दिन शबरी ने देखा कि सामने से प्रभु आ रहे हैं। प्रभु का दर्शन किया तो शबरी तो पागल हो गई, बाहर दूर जाने लगी। तो प्रभु ने कहा कि अरे शबरी कहाँ जा रही, हम तो तेरी कुटिया में ही आ रहे हैं। पधारो महाराज, शबरी अंदर कुटिया में उनको लेकर गई। अब कुटिया में कुछ आसन पासन तो था नहीं, एक कपड़े का टुकड़ा था उसको बिछाया और शबरी स्वयं उस पर बैठ गई। इतना भावावेश, आज मेरी कुटिया में मेरे प्रभु आए, इतनी भावुक हो गई। आज भक्त आसन पर बैठा है और परमात्मा सामने जमीन पर बैठे, पागल हो गई। और फिर पुंगलिक महाराज, मैं तो पढ़ी लिखी हूँ नहीं, मूर्ख गंवार बिल्कुल, जाति भी छोटी। महाराज अब आप तो मेरी कुटिया में पधारे हैं तो मुझको स्तुति करना तो आता ही नहीं, कई विधि स्तुति करूं तुम्हारी। महाराज आप आए तो महाराज मुझ पर स्तुति करना नहीं आता। तो प्रभु बोले कि कोई बात नहीं है, हम पर स्तुति करना आता है। तो बोले कि महाराज आप कौन की स्तुति करते हैं? बोले कि सुबह से शाम तक रात तक मंदिर में भीड़ लगी रहती है, महाराज ये चाहिए और वो चाहिए, और परीक्षा में पास हो जाए, लड़के की शादी हो जाए, लड़की की शादी हो जाए, नौकरी लग जाए, काम धंधा नहीं चल जाए, वह चलने लगे। सुबह से शाम तक यही प्रार्थना करने वाले आते रहते हैं। तो शबरी तुझ पर प्रार्थना करना नहीं आता तो मुझ पर तो आता है, मैं प्रार्थना करता हूँ। और उस प्रार्थना में प्रभु ने नवदा भक्ति का उपदेश दिया। शबरी कुटिया में कुछ था नहीं, मीठा भी नहीं था, कुछ नहीं था, बेर थे। और उन बेरों को एक डलिया में लेकर आई, प्रभु भोग लगाओ। एक बेर उठाया, कहीं खट्टा तो नहीं है, कड़वा तो नहीं है, चाखा और प्रभु को दे दिया। दूसरा बेर उठाया, चाखा और प्रभु को दे दिया। प्रभु बेर खा रहे हैं और शबरी के झूठे बेर खा रहे हैं। लक्ष्मण बगल में बैठे थे, लक्ष्मण को अच्छा नहीं लग रहा था। बोले कि महाराज यह आपको अपने झूठे बेर दे रही है, ऐसे ही ले लीजिए। तो बोले कि नहीं, बहुत मीठे लग रहे हैं लक्ष्मण, तुम भी खाओ। लक्ष्मण को बेर दिया, प्रभु ने बेर दिया तो शबरी का झूठा है वह तो खत्म हो गया। अब तो प्रभु ने बेर दिया है तो लक्ष्मण ने खाया। और प्रभु बोले कि लक्ष्मण इसका स्वाद कैसा लग रहा है? तो बोले कि ऐसा लग रहा है कि माता कौशल्या अपने हाथ से मुझको खिला रही है। गुरु के वचन प्रतीति न जेही, सपन हो सुगम न सब विधि जेही। गुरु के वचन पर विश्वास करे। और गुरुदेव की कृपा होती है। एक पति पत्नी थे, विचार हुआ कि ये संत हैं, बड़े उच्च कोटि के संत हैं, इनसे दीक्षा ग्रहण कर ले। अब दीक्षा ग्रहण की, अब संत ने दीक्षा दे दी दोनों को। और बोले कि महाराज सेवा भी आप ही दे दें। तो बोले कि सेवा भी हम दे देते हैं। एक डिब्बे में लड्डू गोपाल थे तो वह लड्डू गोपाल पकड़ा दिए। अब उन्होंने लड्डू गोपाल घर आए, खोले तो देखे कि लड्डू गोपाल, अब कभी लड्डू गोपाल का दर्शन किया नहीं। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले कि गुरुदेव ने लड्डू गोपाल को डिब्बे में बंद रखा तो बेचारे इनके हाथ पांव टेढ़े हो गए।
बड़ा कष्ट हुआ। पति से कहा कि कहीं से माखन लाओ तो इनकी मालिश कर दे। पति देव मक्खन लेने के लिए गए और वह जो पत्नी थी उसने लड्डू गोपाल जो थे उनके चरण में पांवों में मालिश की और भाव था, भाव के भूखे भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार रहे और भाव से भजने मुझे तो भव से बेड़ा पार है। उसके भाव पर प्रभु रिझ गए। जैसे जैसे वह मालिश करती रही ऐसे ऐसे श्री गोपाल जी के पांव सीधे हो गए। हाथों की मालिश की तो हाथ सीधे हो गए, सीधे खड़े हो गए। अब डिब्बे में बंद करें तो डिब्बे में बंद नहीं हो, पहले तो बैठे हुए थे अब खड़े हो गए तो डिब्बा छोटा पड़ गया। बोले के कल को किसी दूसरे को दीक्षा दें और उसको भी ऐसे ही गोपाल जी पकड़ा दें तो गोपाल गुरुदेव से प्रार्थना करने के लिए गए। बोले कि महाराज आगे से आप ठाकुर सेवा के लिए दो अपने किसी शिष्य को तो डिब्बे में बंद करके मत दिया करो। क्यों क्या बात है? बोले कि महाराज आपने हमको सेवा दी और बेचारे इनके डिब्बे में बंद कर दिया, आप खड़े हो नहीं सके तो सारे हाथ पांव इनके टेढ़े हो गए, पांव भी टेढ़े हाथ भी टेढ़े खुद भी कमर टेढ़ी, अब बड़ी मुसीबत हो गई। हमने तो खैर मक्खन से मालिश कर करके उनको सीधा कर लिया। बोले इतने लड्डू गोपाल सीधे कर लिए? बोले कि हमारा जी जी देखो गुरुदेव उसके चरणों में प्रणाम करते हैं। बोले कि तेरी श्रद्धा ने ठाकुर को सीधा कर दिया, नहीं तो ये टेढ़ा का टेढ़ा ही रहता है। यह तो टेढ़े 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 को सीधा कौन कर सके? राम होता तो सीधे रहते हैं, ये तो वैसे भी टेढ़े हैं, सीधे तो खड़े होना जानते ही नहीं। तो तेने सीधा कर दिया और तेने नहीं तेरी श्रद्धा ने तेरी भक्ति ने तेरी दृढ़ता ने सीधा किया कि लड्डू गोपाल को बंद किया है डिब्बे में रखा तो टेढ़े हो गए। मक्खन से मालिश करी तो बोले कि आगे से कभी भी दूंगा तो सीधे ही दूंगा, टेढ़े नहीं दूंगा। यह भक्ति है और इस सीधेपने की जरूरत है, भक्ति के क्षेत्र में विश्वास की जरूरत है। विश्वास हो गुरु वाक्येषु, गुरु के वचन पर विश्वास करे, गुरु ने जो मंत्र दिया है उस पर विश्वास करे। मंत्र तो बहुत होते हैं, मंत्र में शक्ति होती है।